हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज से हम लोग शुरू करेंगे फार्मेसी तो आज हम लोग सिर्फ इंट्रो जानेंगे तो क्योंकि इंट्रो बहुत ज़रूरी है तो पहली बात तो हम लोग होम्योपैथी पढ़ रहे हैं तो होम्योपैथिक फार्मेसी जानेंगे और सबसे पहले क्या जानेंगे जनरल फार्मेसी होती क्या है फार्मेसी जनरली हम क्या जानते हैं फार्मेसी जहाँ दवा बन रही है और जहाँ से हमें दवा मिल रही है वो क्या होती है फार्मेसी होती है ठीक है तो इसे देखते हैं इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ द आइडेंटिफाइंग सेलेक्टिंग कलेक्टिंग कंबाइनिंग प्रिपेयरिंग प्रिजर्विंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ड्रग एंड मेडिसिन आइदर फ्रॉम द नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्सेज मतलब वो उसका सोर्स नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है उससे क्या करना है हमें उसको ड्रग को आइडेंटिफाई करना है उसे सिलेक्ट करना है उसे कलेक्ट करना है फिर कंबाइनिंग करनी है फिर उसे प्रिपेयर करना है उसके बाद उसे प्रिजर्व करना है और उसके बाद क्या करना है डाइजेशन करना है और उसे डिस्पेंस करना है ठीक है इट ऑल्सो एम्ब्रेस नॉलेज ऑफ द मेडिसिन आर्ट ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग डैम ठीक है तो डिस्पेंसिंग तक सारा किसमें इंक्लूड होता है फार्मेसी में मेडिसिन को कलेक्ट करके जो भी ड्रग सब्सटेंस है उसे कलेक्ट करके उससे मेडिसिन बनाना और मेडिसिन को डिस्पेंस करना यानी कि दवा देना मेडिकल स्टोर तक सब किस में आ जाता है फार्मेसी में इंक्लूड होता है ठीक है जनरली अगर आपसे कोई पूछे कि फार्मेसी की डेफिनेशन बताओ तो क्या बताएंगे फार्मेसी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ द कलेक्टिंग प्रिपेयरिंग प्रिजर्विंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन ठीक है कलेक्टिंग प्रिपेयरिंग प्रिजर्विंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन ये सब किस का पार्ट है फार्मेसी का पार्ट है जनरल में क्या क्या इंक्लूड होता है आइडेंटिफाइंग सिलेक्शन कलेक्शन कंबाइनिंग प्रिपेयरिंग प्रजर्विंग और स्टैंडर्डाइजेशन उसके बाद क्या होता है उसको कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग ठीक है ये पूरा क्या है जनरल फार्मेसी और आपको अगर ये याद नहीं रहता तो इतना तो आपको याद होना ही चाहिए कि अगर कोई कोई पूछे कि फार्मेसी क्या है तो क्या फार्मेसी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ द कलेक्टिंग प्रिपेयरिंग प्रिजर्विंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन ठीक है अब हम लोग देखते हैं होम्योपैथी फार्मेसी तो होम्योपैथी फार्मेसी में कोई बहुत ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है इसमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग सेलेक्टिंग कलेक्टिंग कंबाइनिंग प्रिपेयरिंग प्रिजर्विंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ड्रग एंड मेडिसिन आइदर फ्रॉम द नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्स अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक फार्माकोपिया। अभी हम लोग देखेंगे बाद में फार्माकोपिया क्या होता है अकॉर्डिंग टू ये किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए ये सारी चीज़ें होम्योपैथिक फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग होनी चाहिए होम्योपैथिक फार्माकोपिया जनरली क्या होता है ये जान लेते हैं कि फार्माकोपिया क्या एक बुक है जिसमें क्या दिया होम्योपैथी के बारे में होम्योपैथी फार्मेसी के बारे में जो लिखा हुआ है ये प्रैक्टिकल नॉलेज होता है ठीक है जो फार्मेसी होती है वो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है होम्योपैथी फार्माकोपिया क्या होता है जिसमें होम्योपैथी फार्मेसी का सारा डाटा दिया है मतलब जो होम्योपैथी फार्मेसी होती है वो होम्योपैथिक फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग होती है और फार्माकोपिया का एक बुक है जो गवर्नमेंट ऑथोराइज करती है ठीक है इतना बाकी आगे जानेंगे हम लोग डिटेल में इट ऑल्सो एमबरेज नॉलेज ऑफ द मेडिसिन आर्ट ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द होम्योपैथिक फिजिशियन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है ये कैसा होना चाहिए होम्योपैथिक फिजिशियन के अकॉर्डिंग जो उसने प्रिस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए और यहाँ पे सिर्फ आपको इस पूरी डेफिनेशन में क्या ऐड कर देना है होम्योपैथी फार्माकोपिया तो ये हमारी फार्मेसी और होम्योपैथिक फार्मेसी कंप्लीट ठीक है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विलियम बोरिक ये इनकी मटेरिय मेडिकल सारे बच्चे पढ़ते हैं होम्योपैथी में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली तो होम्योपैथिक फार्मेसी इज द आर्ट ऑफ द प्रिपेयरिंग ड्रग फॉर यूज़ एंड डिस्पेंसिंग दम एज अ मेडिसिन मतलब ड्रग प्रिपेयर करना और उसे डिस्पेंस करना एज अ मेडिसिन ये किस में आता है होम्योपैथिक फार्मेसी में इंक्लूड है ये किसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन है ये याद रखिएगा डॉक्टर विलियम बोरिंग के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है ठीक है बर्थ पूछा जाता है अगर होम्योपैथी फार्मेसी का बर्थ कब हुआ तो जब होम्योपैथी की डिस्कवरी हुई तभी होम्योपैथिक फार्मेसी का बर्थ हुआ कब कौन से ईयर में 1796 ठीक है 1796 में हुआ बर्थ ये किसके अकॉर्डिंग है रिचर्ड हेल इन्होंने क्या किया था इन्होंने बायोग्राफी लिखी है सर की उनकी बायोग्राफी के अकॉर्डिंग 1796 जो है बर्थ ईयर है होम्योपैथी का और होम्योपैथी फार्मेसी की भी डिस्कवरी तभी हुई थी और 1719 में सर ने क्यूलेंस मटेरिया मेडिका ट्रांसलेट की थी याद रखिएगा इंग्लिश टू जर्मन किस में ट्रांसलेट की थी उन्होंने इंग्लिश टू जर्मन ट्रांसलेट की गई थी इंग्लिश से उन्होंने जर्मन में ट्रांसलेट की थी ठीक है अब देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सोर्सेज ऑफ होम्योपैथी फार्मेसी मतलब होम्योपैथी फार्मेसी के लिए कोई अलग से बुक लिखी नहीं है सर ने तो आई कहाँ से होम्योपैथी फार्मेसी फार्माकोपिया बना कैसे ठीक है वो देखते हैं तो इसके पांच सोर्स हैं गिनती से याद रखिएगा पांच मटेरिया मेडिका प्यूरा जिसे क्या कहते हैं फ्रेगमेंटर डी वीरिबस ठीक है दूसरा ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज ऐसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल ऑन द वैल्यू ऑफ स्पेक्यूलेशन सिस्टम ऑफ मेडिसिन तो ये पांच सोर्स हैं होम्योपैथी फार्मेसी के ठीक है क्योंकि इसके लिए उन्होंने कोई सी अलग बुक नहीं लिखी तो ये पांचों सोर्स से निकाल के होम्योपैथी फार्मेसी यानी कि होम्योपैथी फार्माकोपिया बना है ठीक है इन्हीं पर है पूरी होम्योपैथी फार्मेसी तो आज के लिए इंट्रोडक्शन इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग फिर मिलेंगे और होम्योपैथी फार्मेसी के लिए कंप्लीट लेक्चर लेके आ रही हूँ सीरीज़ लेके आ रही हूँ तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक बाय बाय